आज हम बनाने जा रहे हैं फिश पकौड़ा। इसको मैरिनेट करके रख दिया था। हल्दी, नमक, जिंजर, गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा सा नमक, मिर्ची पाउडर देके अच्छे से मिला लिया और इसको मैरिनेट करने रख दिया था 2-3 घंटे तक के लिए। वैसे ज़्यादा कर दे तो ज़्यादा अच्छी बात है, वो सारा अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है तो और ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो आज हम फिश पकौड़ा खाएंगे, साथ में ये सैलेड, ग्रीन सैलेड। तो बनाना शुरू करते हैं और मैं इसके लिए थोड़ा सा काट के रखूँगी। मैंने अनियंस के ना फिंगर्स काट लिए, राउंड राउंड, बड़े अच्छे लगते हैं इसके साथ। और विंटर्स में तो अगर वो मूली होती है तो उसको कद्दूकस कर लो और उसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची देके और थोड़ा सा लेमन डाल के बहुत ही अच्छा उसका कॉम्बिनेशन होता है फिश पकौड़ा के साथ। साथ में एक लेमन रख देंगे। शाम के 7:20 और 25 हुए हैं। अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट मैच चल रहा है और ऐसे में हम फिश पकौड़ा अगर गरम गरम बना के खाएं तो उसका कुछ मज़ा ही कुछ और होगा। और इसके साथ मैंने ये सैलेड भी तैयार किया है जो कि अभी मैं थोड़ी देर में उनको परोसूंगी गरम गरम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत केयरफुली डालना पड़ता है कि कहीं तेल हाथ में ना आ जाए। थोड़ा अंदर डालते हैं।